नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ थोड़ा पैनिक करना चाहिए, लेकिन ये फेवरेबल उनके लिए होगा जिन लोगों के पास खुद के पैसे हैं, कहीं से लोन या लिवरेज नहीं है और पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं। इस स्टॉक में एक बड़ी रैली दिखेगी, लेकिन क्या वो कल, परसों, तरसों, 3, 5, 7 दिन, 10 दिन बाद दिखेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं कर सकता है। पास्ट 1 मंथ के ट्रेंड देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव ही रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी दोनों साइड रही। पहला ट्रेंड कंटिन्यू किया, दूसरा ट्रेंड निगेटिव करा, और ओवरऑल ट्रेंड इस समय जो है वो निगेटिव ही दिख रहा है। तो आगे के ट्रेंड और न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। इस स्टॉक में बड़ा कंसर्न इसीलिए नहीं है क्योंकि रिलायंस का इकोसिस्टम है, जहां उसको लिवरेज करके इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। बाकी यहां देखेंगे तो क्या पाएंगे कि लगभग 83% होल्डिंग जो है वो बड़े प्लेयरों के द्वारा ही होल्ड किया जा रहा है। बड़े प्लेयर मतलब प्रमोटर, FI और DI। पब्लिक के पास ओनली 17% है, तो ये बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। साथ में इस समय वॉल्यूम कंसोलिडेट फॉर्म में जो डिलीवरी गई है वो देखेंगे तो ठीक ठाक डिलीवरी गई रही होगी। जो डिलीवरी गई है वो लगभग 70% की है, और इस समय स्टॉक एक कंसोलिडेट वॉल्यूम के ट्रेंड में ट्रेड होते दिख रहा है। 1 करोड़ के आसपास का कॉमन वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा था इस लेवल पे और यहाँ 250 के प्राइस पे सप्लाई करा गया है। अब मैं इसके चार्ट को दिखाऊं तो इस समय ट्रेंड क्या है, वीक है, और ऐसे वीकनेस ट्रेंड में आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। ये ट्रेंड क्या है, वीक है। और ये रिवर्सल कब होगा, जब मिनिमम इसका जो क्लोजिंग है ये वाला जो कंसोलिडेट फॉर्म था इसके ऊपर हो। इसीलिए हमने कहा कि या तो 244 के ऊपर ट्रेंड लेंगे, जहां पहला छोटा टारगेट 264, 320 और 500+, या फिर आप वेट करेंगे, थोड़ा इस प्रकार से गिरने देंगे 224 और 210 के बीच के। वैल्यू इन्वेस्टिंग, यहाँ मोमेंटम ट्रेडर नहीं लेंगे, वैल्यू इन्वेस्टर लेंगे, लेकिन इस समय बिल्कुल ट्रेंड वीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर।